हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना वॉलनट रागी केक, वो भी चॉकलेट फ्लेवर्ड। रागी जो होती है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, आयरन से भरपूर होती है और ये स्पेशली बच्चों ने जरूर जरूर खाना चाहिए। बच्चों को किसी ना किसी फॉर्म में रागी खिलानी चाहिए और अगर बच्चों को आप चॉकलेट केक बोल के देंगे तो वो जरूर खाएंगे। तो आप ये रेसिपी पूरी एंड तक देखें, मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी रागी का आटा, आधी कटोरी शक्कर, आप चाहे तो इसकी जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं, आधी ही कटोरी मैंने लिया है बटर, मेल्टेड बटर, दो अंडे लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर लिया है, 4 बड़े चम्मच, ये टोटली ऑप्शनल है। आधी छोटी चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और जितना मैंने मिल्क पाउडर लिया है उतना ही मैंने कोकोआ पाउडर लिया है। कोकोआ क्योंकि कड़वा होता है, अगर उसमें आप मिल्क पाउडर डालो या दूध डालो तो वो मिल्क चॉकलेट जैसा बन जाता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने चॉकलेट पाउडर लिया है। इसके अलावा मैंने थोड़े से जो अखरोट होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, वो ऐसे चॉप कर लिए हैं। आप चाहें तो और कोई नट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी ले ली है और आपको से एक ज्यादा पका हुआ बनाना ले लिया है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बनाना मैं खोल के इसे मैं मैश कर लूंगी। बनाना को अच्छे से मैश कर लेते हैं पहले। फोर्क से आसानी से हो जाता है। अब इसमें मैं मैश किए हुए केले में मैं डालूंगी 2 अंडे। इसे कर देते हैं अच्छे से मिक्स। अब इसमें मैं डाल रही हूं मेल्टेड बटर और शक्कर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं आटा छान के डालूंगी और इसी छलनी में ही मैं ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल रही हूँ। आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट पाउडर और मिल्क पाउडर और नट्स और ये टूटी फ्रूटी थोड़ी सी ऊपर डालने के लिए मैं बचा के रख रही हूँ, बाकी की सारी मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर ले। केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने 2 बर्तन लिए हैं, दोनों में ही मैंने ही बटर पेपर लगा दिया है। इसके उसके ऊपर मैंने मेल्टेड बटर भी लगा दिया है, ग्रीस भी कर दिया है। अब मैं इनको आधा एक बर्तन में, आधा दूसरे बर्तन में पोर करूंगी। एक को हम कुकर में बनाएंगे और दूसरे को हम ओवन में बनाएंगे। एक प्लेट हमारी सेट हो गई है। मैं इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है। और अब ये मैंने कुकर प्रीहीट किया है ऑलरेडी। इस कुकर को मैंने 10 मिनट तक फुल आंच पर रखा है और इसमें स्टैंड भी लगा दिया है। तो अब आंच को मीडियम कर देंगे और इसको कुकर में डाल देंगे। अब ये कुकर का ये जो रबर है ये निकाल देंगे। सीटी मैंने ऑलरेडी निकाल दी है और इसे बंद कर देंगे। दूसरी ट्रे भी रेडी है और ओवन को हमने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, उस पे सेट कर दिया है, प्रीहीट कर दिया है। तो अब ये प्रीहीटेड ओवन में ये वाला प्लेट डाल देंगे। इसे ओवन में 30 मिनट्स और जो हमने कुकर में बनाया है उसे अराउंड 35-40 मिनट्स तक दें, पर आप फिर भी बीच-बीच में चेक करते रहिए। हमारा ये केक बनके रेडी है ओवन वाला, इसे करीब 30 मिनट लगे। ये कुकर वाला केक भी बनके रेडी हो गया है, इसे 40 मिनट लगे कुकर में बनने में। इसे भी निकाल लेते हैं। दोनों केक को बर्तन से अलग कर लेते हैं। Thank you.
देखिए ऑफ कोर्स अवन वाला थोड़ा ज़्यादा फूला है, कुकर वाला कम फूला है, पर इतना भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। दोनों बढ़िया बनके रेडी हो गए हैं। चलिए दोनों केक कट करते हैं। एकदम मॉइस्ट बना है, एकदम सॉफ्ट है ये केक। ये है हमारा अवन वाला केक, देखिए कितना बढ़िया मॉइस्ट सॉफ्ट केक बना है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये मैदे का नहीं है। ये हमारा है कुकर वाला, इसे भी कट करते हैं। वो देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया, दोनों केक बहुत अच्छे से फूले हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए ये हेल्दी है, इसको आप और हेल्दी बना सकते हैं। चाहे तो इसमें आप और बहुत सारे नट्स डाल सकते हैं। बच्चों को अगर आप नट्स खिलाना चाहते हैं, तो मेरे बेटे को नट्स की एलर्जी है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नट्स नहीं डाल रही थी, इसलिए मैंने केवल इसमें अखरोट ही डाले। आप चाहें तो इसमें पिस्ता, अंजीर, बादाम भी डाल सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा शक्कर की जगह गुड़ डाल सकते हैं, और इसे और भी हेल्दी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप अगर बच्चों को केक बना के खिलाएं तो केक का केक भी हो जाता है और हेल्दी गुड़ उनके पेट में भी जाती है हेल्दी चीज़। तो मैं एक बाइट लेती हूँ। बहुत ही अमेजिंग बनाया। आप ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।